तो पंजाब के धुरी विधानसभा सीट के लिए यानी कि विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता सुबह से ही वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दोपहर एक बजे तक 39% मतदान हो चुका है। चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ अकाली दल के गोविंद सिंह लोंगोवाल, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सिमर प्रताप बरनाला और अकाली दल अमृतसर के सुरजीत सिंह के बीच में है। बता दें धुरी उपचुनाव की मतगणना 15 अप्रैल को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं धुरी उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। साख का सवाल ये सीट बनी हुई है। मतदाता सुबह से ही वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दोपहर एक बजे तक 39% मतदान हो चुका है। चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ अकाली दल के गोविंद सिंह लोंगोवाल, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सिमर प्रताप बरनाला और अकाली दल अमृतसर के सुरजीत सिंह के बीच में है। धुरी उपचुनाव की मतगणना 15 अप्रैल को होगी। तो 15 अप्रैल को वोटों की गिनती होनी है और जैसे कि हम आपको शुरू से ही जानकारी दे रहे हैं, ये सीट जो है साख की सीट बनी हुई है कांग्रेस के लिए भी और अकाली दल के लिए भी। तो पंजाब के धुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 103 बूथों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, कल खबर आई थी कि कुछ लोग, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि कुछ लोग जो हैं अकाली दल के गांव में घूम रहे हैं, इंटेंशली उनका इंटेंशन ठीक नहीं है। तो अंदाजा लगाना मुश्किल है बहुत ज्यादा नहीं कि स्थिति किस तरह की है। और मतगणना सुबह से ही हो रही है, वोटिंग जो हो रही है, माफ कीजिए, मतगणना जो है वो 15 अप्रैल को होगी। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गोविंद सिंह लोंगोवाल गांव बेंडा में पहुंचे। यहां उन्होंने जारी मतदान का जायजा लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। गांव ककड़वाल में धुरी से कांग्रेसी उम्मीदवार सिमर प्रताप सिंह बरनाला अपनी पत्नी और बहन के साथ मतदान करने पहुंचे और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम हलके का विकास चाहते हैं और हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने अपनी जीत का भरोसा भी दिया, यानी कि अपनी जीत का दावा भी किया। तो कांग्रेस उम्मीदवार ने किया जीत का दावा, चाहे अकाली उम्मीदवार की बात करें वो भी अपनी जीत का दावा करें। तो धुरी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिलाएं भी जो हैं काफी उत्साहित नजर आई, लंबी लाइन महिलाओं की भी नजर आई। और इस मौके पर अगर हम बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गोविंद सिंह लोंगोवाल गांव बेंडा में पहुंचे थे। यहां उन्होंने जारी मतदान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। मुद्दे तो विकास का मुद्दा रहा, क्योंकि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार विकास कर रही है, पिंडा में शहरों में जो भी है वो विकास का मुद्दा लेके हम चले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। तो धुरी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिलाएं भी बड़ा उत्साह दिखा रही हैं। महिलाएं भी लंबी लाइन लंबी कतारों में खड़े होकर वोट के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। पोलिंग बूथों पर अपनी बारी का इंतजार कर रही महिलाओं का कहना है कि वो ऐसे उम्मीदवार को वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं जिसमें अपने वार्ड का विकास करने का, अपने वार्ड का विकास करने की ख्वाहिश हो, हिम्मत हो, नीयत हो।